नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रश्नों के आधार पर जो श्रृंखला चल रही है उसमें आ जाइए, हम देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न है, किसी नियुक्त मृतक आश्रित यानी किसी व्यक्ति की नियुक्ति जो है मृतक आश्रित के रूप में हो जाती है, किंतु वह ज्वाइन नहीं कर पाता है, उससे पूर्व ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक एक जो है ये जिला जौनपुर से पूछा है बहन जी ने, तो इनका पूछना था कि कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जब स्वच्छता का प्रमाण पत्र लेकर कार्यभार ग्रहण करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, क्या यह विधिसंगत है? क्या यह जो बर्खास्तगी है, सेवा समापन है, क्या यह नियम के अनुकूल है? तो इसका उत्तर है नहीं, ये नियम के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार का विवाद माननीय उच्च न्यायालय में आया था, इसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने मृतक आश्रित के पक्ष में दिया। ठीक है, यानी इस स्थिति में किसी की सेवा समाप्त की जा रही है तो ये नियम के विपरीत है। इसका इंग्लिश में माननीय न्यायालय का जजमेंट देखते हैं हम। अपॉइंटमेंट अंडर द डाइंग इन ऑर्डिनेंस रूल्स आर परमानेंट सिंस द पेटिशनर वॉज परमानेंट। हिज सर्विसेज कुड बी टर्मिनेटेड ओनली आफ्टर गिविंग हिम ए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑफ जस्टिस। माननीय न्यायालय न्यायाधीश का कथन है कि यदि किसी व्यक्ति की हार्नेस रूल ये मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत नियुक्ति हो जाती है तो उसकी ये नियुक्ति अस्थायी रहेगी और उसे जो है बर्खास्त करने से पहले, उसकी सेवा समाप्त करने से पहले, उसको उसका रीजन ज्वाइन करने का रीजन जो है देने के लिए पर्याप्त अवसर देना पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ जस्टिस यानी ये न्याय संहिता की जो व्यवहार है, व्यवहार विधि है, उसके अनुसार उससे उसे अवसर दिया जाएगा कि हाँ आपने किस वजह से ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, यानी संबंधित विभाग को पूछना जरूरी था कि आप क्यों नहीं आए, जो वो स्वच्छता प्रमाण पत्र लेकर आता है व्यक्ति, तो उस पर विचार करना चाहिए था, उससे पहले बर्खास्तगी नियमों के विरुद्ध है। यह है वाद, ये था ओम प्रकाश वर्सेस सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर नलकूप डिवीजन बनारस। ठीक है, 2000 का मैटर है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की मृत्यु अवकाश प्राप्त करने के बाद होती है, यानी वो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं नौकरी से, उस अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी को छोड़ देते हैं एक तरह से, तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी एक अविवाहित किंतु 60% विकलांग कन्या जीवित है, क्या उसे सेवायुक्त किया जाएगा, क्या उसे मृतक आश्रित नौकरी के दी जाएगी? तो उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वह मृतक आश्रित श्रेणी में नहीं आती और वह सेवायोजित नहीं हो सकती क्योंकि शिक्षक की मृत्यु अवकाश प्राप्त करने के बाद हुई है, क्योंकि शिक्षक की जो मृत्यु है वह अवकाश प्राप्त करने के बाद हुई है, सेवा जो है उनकी तरफ से सेवा छोड़ दिया गया, जॉब छोड़ने के बाद हुई है, और यह प्रकरण पारिवारिक पेंशन का है। ठीक है, विकलांग आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन का विशेष प्रावधान है, कोई विकलांग आश्रित है तो उसके लिए विशेष प्रावधान है, इसमें शासनादेश ये आया हुआ है 1981 का ही है, पुराना आदेश है। ठीक है, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि वो विकलांग हो चाहे सामान्य हो, उनको सेवायोजित नहीं किया सकता। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिए गए जवाब आपके लिए संतोषजनक और सपोर्टिव होंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।